सावन का महीना भगवान महादेव को विशेष रूप से प्रिय होता है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए गंगाजल, दूध, शहद, घी, भांग, धतूरा और बेलपत्र चढ़ाया जाता है। शास्त्रों में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने का बहुत महत्व बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से मनुष्य अपनी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी कर लेता है। शिव जी को चढ़ाए बेलपत्र, भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ही प्रिय होता है। बेलपत्र चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होते हैं। इस बार सावन का महीना 29 दिनों तक चलेगा, जिसमें 5 सावन सोमवार व्रत रखे जाएंगे। 19 अगस्त को सावन खत्म हो जाएगा। सावन के महीने में शिव जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। सावन के महीने में हर एक दिन घर और मंदिर में शिव जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलता है। देव पूजा में अक्षत यानी चावल का चढ़ावा बहुत ही शुभ माना जाता है। शिव पूजा में भी महादेव या शिवलिंग के ऊपर चावल जो टूटे न हो चढ़ाने से लक्ष्मी की कृपा यानी धन का लाभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए भोलेनाथ से जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर कई चीजों को चढ़ाया जाता है। शास्त्रों में शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने की परंपरा चली आती है। काला तिल चढ़ाने से पितृ दोष शांत होता है और पितरों का आशीर्वाद हासिल होता है। शिव के तिल से पूजा करने पर मन, शरीर और विचारों में हुए द्वेष का अंत होता है और सारे तनाव व दबाव की वजह दूर होती है। बता दें, सावन के महीने में शिवलिंग पर शमी के पौधे का पत्ता चढ़ाने से शिव जी के साथ शनि महाराज भी प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण के अनुसार यदि शमी के वृक्ष के पत्तों को शिव पूजा में सम्मिलित किया जाए तो भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूरी करते हैं और उनके भक्तों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।